आप बहुत विटी हैं बिना भाई, मजा आ जाता है आपसे बात करके। आपके ये होने वाले, क्या अंग्रेजी बोली थी आपने मंगेतर को, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैंसर। क्या? ओहो, बड़ी औखी जुबान है ये अंग्रेजी भी, क्या वो? तो आप मेरे बारे में क्या फरमा रहे थे जी? ये आपके जो फर्जंद हैं ये मुझे बेवकूफ इंसान समझते हैं। नहीं बेटा, आप तो माशाल्लाह से बहुत ज़हीन हैं। बल्कि मैंने आपकी वालिद को कहा था कि इसकी पढ़ाई ना छुए, आप अगर आगे पढ़ते तो बहुत आगे निकल चुके होते। बट व्हाई डिड यू डिसकंटिन्यू, आपने स्टडीज क्यों नहीं जारी रखी? ये एक लंबी और दुख भरी दास्तान है, पर समझ लीजिए कि अल्लाह को यही मंजूर था। अरे भाई, उनको वो वाली बात सुनाओ अपने यार सरदार वाली, आप भी सुनिए, बहुत मजेदार बात है यार। वही जिसको शुरते ने पकड़ लिया था। अच्छा अच्छा, वो मेरा दोस्त है जी, एक मेरा दोस्त है ना एक कलदीप, बहुत अच्छा आदमी है जी, सरदार बड़े अच्छे लोग होते हैं। एक दफा वो कॉर्निश पे खड़ा होकर ना बड़के लगा रहा था ऊंची बड़ी जोर जोर से, एक शुरते ने पकड़ लिया, उसने कहा तुमने नशा किया हुआ? कहाँ जी, अभी तो दोस्त लेने गए हुए हैं। सही कह रहा हूँ। कमाल है भाई, सरदार जी एंटीसिपेशन में टोन हो गए। कुछ भी हो जी, सरदारों जैसी जिंदा दिल कौम नहीं दुनिया। वाह वाह, ये तो कोई वाकई नहीं है। एक दफा मैं होटल इंटरकॉन्टिनेंटल के बाहर खड़ा था, एक सरदार जी आए, मुझे कहने लगे होटल इंटरकॉन्टिनेंटल ले चलो, मैं ऊपर से घुमा के वही उतार दिया, मुझे 100 दिरहम का नोट दिया और कहने लगे ओए सॉरी दिया, गड्डी आस्ता चलाया तो। ये तो एक वाक्य है, ऐसे हजारों बार वाक्य। वालेकुम सलाम, अभी से सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े कैसे लग रहे हैं? जा बिल्ला बैठा हो, बात कहते ना, ये तो हो ही नहीं सकता। ना ये तो सही कह रहे हैं आप। वैसे ईमान की बात है कि माशाल्लाह से ये बहुत भला मासूम और बड़ा नसीब वाला बच्चा है। रिशा, छोटी सी बात बड़े बड़ी इंपॉर्टेंट, खुदा की मखलूक को हर वक्त हंसाते रहना, उन्हें खुश रखना, उनकी जिंदगी में मुस्कुराते देखते रहना, ये बहुत भलाई और बड़ी नेकी का काम है। मैं तो खुद जिशान से कहती हूँ कि बहुत लकी है, इसे पिल्ले जैसा स्वीट दोस्त मिला। अब आप सब लोग इसको आसमान पे ना चढ़ाएं, ये ज्यादा ही फैल जाएगा। सुनिए, आप सुहेला बेटी के वाले से बात तो कीजिए, उनसे पूछिए वो उनकी तरफ कब आए। हाँ सही कह रही हैं, मैं भी यही सोच रहा था। वैसे सुहेला बेटी, आपके वाले साहब क्या करते हैं, उनका क्या ऑक्यूपेशन क्या है? तुम उनका कोई कांटेक्ट नंबर दो तो मैं उनको फोन करके बात करूँ। आई एम सॉरी, मैं नाम पूछना ही भूल गया, क्या इसमें ग्रामी है? बाबा सुहेला का ख्याल था कि पहले मैं उनसे मिल लूँ, फिर आप लोगों का मिलना मुनासिब रहेगा। ठीक है, जैसी लोगों की मर्जी, मेरे मतलब है ये आप लोगों का जमाना है, हर नस्ल की अपनी सोच होती है, अपना तरीक़ाकार होता है, इसीलिए अल्लामा साहब कह गए हैं कि जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए। नहीं नहीं अंकल, ऐसी भी कोई बात नहीं है, दरअसल एक दो बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से मैं चाहती हूँ कि पहले जिशान उनसे मिल ले। आई नो अंकल, उनकी कुछ अपनी रिजर्वेशंस हैं, उन्होंने मुझे अमेरिका अकेले पढ़ने ज़रूर भेजा है, लेकिन मैं बात अच्छी तरह जानती हूँ कि कुछ मामलात में उनकी थिंकिंग अभी तक बहुत प्रिमिटिव किस्म की है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जिशान पहले उनसे मिल ले, वो उसे पसंद कर लें, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर मैं उन्हें पसंद ना आया तो फिर अल्लाह नबी वारिस कोई और रिश्ता ढूंढ लेंगे। पा 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 पा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी, सुहेला अक्सर तुम्हारा जिक्र करती रहती है। थैंक यू। तुम जैसे सुलझे हुए और जिम्मेदार नौजवानों से मिलकर मुझे बहुत खुशी होती है। सुहेला बता रही थी कि तुम्हारा माशाल्लाह अपना कारोबार है और अमेरिका से तुमने बिजनेस मैनेजमेंट में कुछ डिग्रियां भी ले रखी हैं। जी हाँ सर, लेकिन डिग्रीज तो सिर्फ बिजनेस में दाखिल होने का टिकट है, असल खेल का तो अंदर जाकर ही पता चलता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। वाली साहब क्या करते हैं बेटा? वी आर अ ग्रुप ऑफ कंपनीज और सब की सब कंपनीज मल्टीनेशनल है। ओह, जिशान के वालिद बहुत ही प्रोफाउंड और इंप्रेसिव पर्सनालिटी के मालिक हैं। जारी
मैं ऐसे लोगों से बहुत कम मिली हूँ जिंदगी में. ही इज अ वंडरफुल मैन. आपको उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी. क्यों नहीं, क्या इसमें ग्रामी है उनका? दानियल अहमद. वैसे तो वो मेरे स्टेप फादर हैं, लेकिन जितनी मोहब्बत उन्होंने मुझे दी है तो शायद कोई रियल फादर भी नहीं दे सकता. तो तुम दानियाल अहमद के बेटे हो? जी जी, खालिद इंटरप्राइजेस वाले दानियाल अहमद के. जी बिल्कुल. क्या आप जानते हो उन्हें? तो अब उस घटिया आदमी ने ये चाल चली है, पांव से लकड़ियां बांधकर हमारे बराबर होने की सोच रहा है. अंकल आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तुम ऐसा करो बरखुरदार कि इस दरवाजे से सीधे बाहर निकल जाओ और आइंदा इस तरफ मुड़कर भी ना देखना. क्या कह रहे हो? तुमने सुना नहीं? विल यू प्लीज गेट आउट. ओके अंकल, थैंक यू वेरी मच. सुशांत रुको प्लीज एक मिनट, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है प्लीज. आई एम सॉरी सवेला, अब मेरा यहाँ ठहरना नहीं बनता. खुदा हाफिज़. ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है सवेला, तुम भी आइंदा इससे या इसके घर वालों से नहीं मिलना. आपने क्या किया? हम आपसे मिलवाने के लिए लाए थे, हम शादी करना चाहते हैं. ऑन माय डेड बॉडी. तुम खोल कर सुन लो, सूरज मगरिब से निकल रहा है लेकिन ये रिश्ता नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता. बेटा, मुझे मालूम है कि किसी की प्राइवेट गुफ्तगू सुनना बड़ी बदतहजीबी की बात है, मगर यकीन माने इसमें मेरी कोई इंटेंशन शामिल नहीं थी. वो क्योंकि मुस्तकबिल घंटी बज रही थी ना, और वो मेरे टेलीफोन का जो एक्सटेंशन है वो गड़बड़ है, तबरे का घंटी बज रही थी. मैंने सोचा कि अल्लाह खैर करे कोई इमरजेंसी ना हो. नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं थी. आपसे तो मेरी कोई भी बात नहीं छुपी हुई है. तुम्हारी वालदा भी कई दफा पूछ चुकी है तुम्हारा, की रात होगी कभी पता ही चला कि तुम कब आए. वैसे खैर ये बताओ, सोला के वाले से मुलाकात कैसी रही? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम अभी सोला से बात कर रहे थे ना? जी. खैर अभी यही ख्याल था. जी बात मैं समझ नहीं पाया हूं कि किसी भी बाप को ऐसे अच्छे रिश्ते में क्या एतराज हो सकता. बाबा उन्हें एतराज मुझ पर नहीं है. आप पर है. लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे मुझे उन लोगों की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि बाबा आई लव यू. आई लव यू टू माय सन. आई लव यू. आई एम प्राउड ऑफ यू. शायद ये बताओ कि वो मैं बता कि वो कौन लोग हैं और वो मुझसे क्यों खफा है, उनको मुझ पर क्या एतराज है? अच्छा खैर, तुमने ये नहीं बताया कि सोहेल के वालिद का नाम क्या है? इकराम अलहक. इकराम. बाबा आप जानते हो उन्हें? बाबा तो फिर आपसे उनकी क्या दुश्मनी हो सकती है? आपकी तो ऐसी आदत ही नहीं है झगड़ने की. फिर ये बेटा ये बड़ी लंबी कहानी है. बहुत लंबी कहानी है बेटा ये. हमारे उधर पाकिस्तान में ना अब भी एक ऐसा तबका है जो अपने आप को मालिक और
برتر مخلوق اور باقی خلق خدا خدا کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے. وہ یہ چودھری کلام الحق سویدا کے جواب ہے نا, ان کا تعلق بھی اس پہلے طبقے سے ہے. میں دوسرے طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. دیکھو ٹھہرو, میں تمہیں یہ ساری کہانی شروع سے سناتا ہوں, اس لیے کہ میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ بہت ساری باتوں سے تمہیں آگاہ کر دیا جائے. جو تمہیں دیکھو ٹھہرو, میں تمہیں یہ ساری کہانی شروع سے سناتا ہوں, اس لیے کہ میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ بہت ساری باتوں سے تمہیں آگاہ کر دیا جائے. جو تمہیں بچپن میں تمہاری کم عمری کی وجہ سے اور تمہاری پڑھائی کی وجہ سے نہیں بتائی گئی تھی. یعنی اس کہوں کہ ان کی تفصیل یا ان کی حقیقت نہیں بتائی گئی تھی. یہ جو چودھری کرم الحق ہے نا, یہ اور ان کی فیملی ادھر پنجاب میں ایک گاؤں کے جاگیردار ہیں, اور میرا خاندان کئی پشتوں سے ان کا مظاہرہ چلا آ رہا ہے. کہ تیرے ملک بھر کے ضرورت مند بچوں کی امداد کر, سارا کام دفتر کا تو دانیال سنبھالتا ہے اور جو فیلڈ کا کام ہے وہ اس کے مینیجر دیکھتے ہیں. ہاں جی جی ہاں, اب تو دانیال صاحب کا بیٹا ذیشان بھی امریکہ سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری لے کے آ گیا ہے. ہاں جی سارا پروجیکٹ وہی دیکھ رہا ہے. جی ہاں کام بڑا مشکل ہے کان صاحب, آپ سمجھتے نہیں ہیں. جان جوکھوں کا کام ہے, کوئی آدمی تیار نہیں ہو رہا ہے. ہاں جی جی ہاں جی, کوئی نہیں تیار ہو رہا ہے. آپ اتنے ڈسپریٹ ہیں تو اچھا میں دیکھتا ہوں. آپ میں آپ کو تھوڑی دیر میں فون کرتا ہوں. ٹھیک ہے ہلو, کام ہو گیا ہے, تم فوراً کام شروع کر دو. ٹھیک ہے, ان کا بیٹا ذیشان بھی اسی بلڈنگ میں اس کا دفتر ہے, وہیں کام ہوگا. واردات میں ہی ہوگی تو پریس کو بھی مسالہ ملے گا, سمجھ رہے ہو نا. ہاں سوئٹزرلینڈ کا ٹرپ مل رہا ہے, فرسٹ کلاس ٹریولنگ ہے, فائیو اسٹار ہوٹل میں اسٹے ہے. کیا چاہیے تمہیں؟ میں تمہاری جگہ پہ ہوتا نا تو چھپٹ کے پکڑ لیتا. تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم میری جگہ پر نہیں ہو, یہ سب سے نہیں کر سکتے. کترا کترا پگھلنا, ٹوٹتے ہوئے وجود کا ملبے کا سانپ کے اندر گرتے رہنا, کیا ہوتا ہے؟ میں مشین نہیں ہوں جبار, انسان ہوں. انسان جیتا جاگتا محسوس کرنے والا, شعور رکھنے والا, سوچنے والا انسان. جانوروں کی سطح پر میں زندہ نہیں رہ سکتی. اپنی اور بہت سے امیر لوگوں کی دولت کو محفوظ کرنے کے لیے. سیدھی طرح یہ چونی کہتے ہو, حرام کی کمائی کو ٹھکانے لگانے جا رہا ہو. تم نے حرام حلال کی بحث شروع کر دی ہے میرے ساتھ. زندگی صرف ایک بار ملتی ہے, کھاؤ پیو اور ختم. شکر کرو کہ شامی جیسے بندے نے تمہیں پسند کر لیا ہے. ارے اگر یہ شامی جیسے لوگ مر گئے نا تو ہمارے گھروں میں تو پھوڑیاں بک جائیں گی, کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ملے گا. چلو چلو بچ تیار ہو جاؤ. کھانا میں نے کہ میں نہیں جاؤں گی, نہ آج نہ کل, میں کبھی نہیں جاؤں گی. کیوں نہیں جاؤ گی تم؟ تم جاؤ گی, میں کہہ رہا ہوں تم جاؤ گی. میری ماں کو گالی مت دینا, گناہ میں نے کیا ہے, مجھے سزا نہ دو. ماں کو گالی نہ دو, ماں کو گالی نہ دو تم. میں تجھے آخری بار دے رہا ہوں, اپنی کھال میں رہ, ہمارے لیے مسائل پیدا نہ کر. ہماری مرضی کے بغیر
तुम कदम भी बाहर नहीं रख सकती। मगर हमारी इजाजत के बगैर नहीं। देखो शुभता, मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा कि तुम एक घरेलू लड़की से नाचने वाली कैसे बनी, और नहीं मुझे इस बात से गर्ज है कि इसके पीछे क्या कहानी थी या है, क्योंकि दो एक छोटी छोटी तब्दीलियों से कता नजर घर से भागी हुई लड़कियों की एक ही दास्तान होती है। ये रास्ता तुमने खुद अपनाया है, तुम अपनी मर्जी से इस फील्ड में आई हो। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, मुझे वही काम करना है जिसकी मुझे तनख्वाह मिलती है। अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा कहां से? हाँ, मैं तो यही है कि तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। देखो शुभता, शादी मैं तुमसे कर सकता हूं, लेकिन फिर भी अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें मेरा हाथ बटाना होगा। मैं तुम्हारे लिए खाना पकाऊंगी, तुम्हारे कपड़े इस्त्री करूंगी, तुम्हारे बच्चों को पालूंगी, रोजाना सुबह तुम्हें स्कूल भेजूंगी। तुम जो भी कमा के लाओगे मैं गुजारा कर लूंगी। मैं शाम को दरवाजे पे खड़े होकर तुम्हारे इंतजार करूंगी। मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं मांगूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी मैं तुमसे। देख, बड़े कह गए कि अगर ख्वाहिशें घोड़े होती तो दुनिया में हर कोई शाहसवार होता। अरे ख्वाबों की दुनिया से निकल और जमीन पर आओ, जमीन पर। अरे ऑलरेडी मेरे चार बच्चे हैं, मुझे अपने बच्चे बुरे लगते हैं, उनकी वजह से मुझे दूसरों के बच्चे भी बुरे लगने लगे हैं। और ये जो मेरा काम है, अरे इसमें ना सुबह का एतबार है और ना शाम का, तो कब तक दरवाजे में खड़े मेरा इंतजार करती रहेगी? हाँ, और रही बात मेरी कमाई की, तो अरे उसमें तो मैं अकेला गुजारा नहीं कर सकता, तुझे कहां से खिलाऊंगा? तुम तो कहते थे कि बकवास करता था मैं। अरे शगुफ्ता बीबी, तुम इतनी तजुर्बेकार औरत हो, तुम्हें अभी तक इस बात का ही नहीं पता चला। अरे जो मर्द अपनी बीवी का होकर ना रहे अरे वो किसी दूसरी औरत के साथ क्या वफा कर सकता है? तो कुछ और बताया था। अरे तो क्या हुआ, तुम भी तो हर आदमी को नई कहानी सुनाती हो। हम दोनों ही अदाकार हैं, नकली चेहरों वाले इंसान। नफरत है मुझे नकली चेहरों से। मुझे मेरी जिंदगी जीना है, समझे तुम? मैंने मालकों से बात की थी, वो कहते हैं कि शादी नहीं करती, वैसे ही मिलकर रहना है तो रह लो। लानत है तुम पर और तुम्हारे मालकों पर। दबा जाओ यहां से, नहीं बनना मुझे किसी की रखे। ऐसी बातें फिल्म और ड्रामों में अच्छी लगती हैं शगुफ्ता डार्लिंग। तुम अपनी बाजी खेल भी चुकी हो और हार भी, अब तुम्हें ऐसे ही रहना है। खुद सोचो और करो, कौन करेगा तुमसे शादी? और चलो अगर झूठी सच्ची किसी ने शादी कर भी ली तो तुम्हारे चेहरे पर पड़ने वाली पहली छुरी के साथ ही उड़न छू हो जाएगा।
इसलिए कि टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करने के बाद कौन संभाल कर रखता है? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ऐसी बात नहीं। औरत तुम कभी हुआ करती थी, अब तुम सिर्फ एक तवायफ हो, नए जमाने की तवायफ, जिससे दोस्ती तो की जा सकती है लेकिन शादी नहीं, क्योंकि सियाने कह गए हैं कि तवायफ और चेचक निकले बगैर नहीं रहती। मैं उधर आइसक्रीम लेने जा रहा हूं। हर वक्त आप खाते ही रहते हैं। वो गार्ड ने आपके नाम एक पैगाम दिया। ला लेकर ले। आज शाम 4 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जरूर आना। तुम आ गए। अच्छा किया, अच्छा किया तुमने। तुम ये समझ रहे हो कि ये भी कोई साजिश है? हाँ सच में तो यही समझ रहा हूँ कि कोई साजिश ही है। किस लिए बुलाया? गवाही देनी है। ओ नहीं बाबा नहीं, ये वो पाकिस्तान नहीं है कि उधर बंदा कचहरी में मुकमुका करके निकल गया। इधर तो झूठी गवाही देने का मतलब ये है कि सीधा जेल के अंदर और फिर वहां से मुल्क से बाहर। नहीं इधर बैठो, मेरी बात सुनो। तुम्हें तुम्हें कहीं नहीं जाना, यहाँ गवाही देनी है। यहाँ? हाँ यहाँ। बहुत बरसों के बाद मुझे वो आंखें नजर आई जो जो मुझे देखती है, मेरे जिस्म को नहीं, कसाईयों की तरह तोलती नहीं है मुझे। क्या मैं बहुत बुरी हूँ? नहीं वो अपना तुम भी ये समझते हो ना, गुनाह की सजा सारी उम्र की गुमराही की हूं। बड़ी वो मुझे दवाई बोलता है, वो कहता है दवाई और चेचक निकले बगैर नहीं रह सकती। कोई से पूछे किसने तबाही बनाया? उसने बनाया गुनाह की जिंदगी में ला था, फिर खुद ही मुहावरे और फार्मूले बने। तेरा फला हो जाए, ये क्या किया तुमने? मेरे साथ अस्पताल चलो, इंशाल्लाह अभी सब ठीक हो जाए। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना।
तुम गवाही दोगे ना उसके सामने, उसको बताना बहुत कोशिश की थी इस दलदल से निकलने की। कब एक दफा मेरा हाथ पकड़ लेता मैं सब कुछ छोड़ देती। किसी ने मेरा साथ ही नहीं दिया। ये दुनिया इसने तो मुझे इज्जत की मौत भी नहीं दी। चीचक का ना मुझे बातें हैं, बकवास करते हैं, सब झूठे हैं, लेकिन खुदकशी हराम है। तुम्हें इस तरह अपने हथियार नहीं डालने चाहिए। तुम मेरे साथ अस्पताल चलो, सब ठीक हो जाएगा। आओ आओ। बहुत बरसों बाद बहुत गहरी नींद आ रही, सोना चाहती हूँ। डेली वर्ड एक सवाल। मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि मैं आपके इंतजामात से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। मेरे ख्याल में ये निजाम अमन और सलामती के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही आला है। मेरे ख्याल में आपने यहाँ दफ्तर लेकर बहुत अकलमंदी का काम किया है। शुक्रिया। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। हाँ हाँ हाँ, बिल्ला जानता है उसे, लेकिन वो आजकल एक मसले में। ठीक है, मैं पता लगाता हूँ उसका। हाँ हाँ, फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं अपने तक ही रखूंगा, लेकिन वालिद साहब को तो बता सकता हूँ ना, वो कल से बहुत परेशान है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।